नमस्कार दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपना स्मार्टफोन को हैंग होने से कैसे बचाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप स्टेप्स को इनिशियल स्टेज में फॉलो करेंगे तो आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा और बहुत लंबे समय तक स्मूथली रनिंग करता रहेगा। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्त। अगर आप फ्री में पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने फोरफोन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहीं से इंस्टॉल कर लीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में बिना किसी टास्क के बिना किसी रेफर के 50 रुपीज़ पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के हम टॉपिक के बारे में। तो फ़ोन हैंग होने के लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप रैम। आप सभी को पता है कि रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ोन हैंग होगा या नहीं होगा। अगर रैम ज़्यादा हुआ तो फ़ोन हैंग नहीं होगा, अगर रैम कम हुआ तो फ़ोन हैंग जल्दी होगा। तो इस रैम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो आपका रैम बहुत जल्दी अफेक्ट होता है, रैम बहुत जल्दी कम हो जाता है और फ़ोन आपका बहुत जल्दी हैंग होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जितना ऐप चाहिए आप उतना इंस्टॉल कीजिए, अननेसेसरी ऐप्स इंस्टॉल मत कीजिए। अब दूसरा पॉइंट में आता है रोम। रोम का मतलब फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज। अगर आप इंटरनल स्टोरेज को हमेशा 1.5 GB से 2 GB फ्री रखेंगे तो आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। अब थर्ड पॉइंट में आता है चार्जिंग। आप हमेशा अपने फ़ोन को 90% से कम चार्जिंग कीजिए। अगर 90% ज़्यादा चार्ज करेंगे तो फ़ोन आपका जल्दी गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण आपको प्रोसेसर को बहुत फास्ट रनिंग करना पड़ेगा तो आपका फ़ोन बहुत हैंग हो सकता है। तो फोर्थ पॉइंट में आता है बैकग्राउंड ऐप। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग हर एक ऐप को एक बार खोलते हैं, उसके बाद उसका बैकग्राउंड क्लीन करके बाद दूसरे ऐप खोलते हैं। तो ऐसा करने से बताना चाहूँगा, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, आपको प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा रनिंग करना पड़ता है तो इसके कारण आपका फ़ोन हैंग हो सकता है। तो इसके इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप दिन में सिर्फ एक बार, रात को या सोने से पहले या फिर सुबह उठ के एक बार आपको बैकग्राउंड क्लीनिंग करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में आता है थीम्स। जैसे कि हम जानते हैं ओप्पो वीवो MI फ़ोन में बहुत सारे डिफरेंट स्टाइलिश अट्रैक्टिव थीम्स देते हैं। तो इस थीम्स को हम इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, फिर 2 दिन के बाद हमारा मन भर जाता है, हम नया थीम्स इंस्टॉल करते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन बताना चाहूँगा, आप इसे बार बार करने से प्रोसेसर को बहुत वर्किंग करना पड़ता है और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से बहुत पावर कंज्यूम करता है और फ़ोन को हैंग होता है। तो इसको रोकने के लिए आपको सिर्फ एक सजेस्ट करूँगा, आप थीम्स को इंस्टॉल करिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसको 1 महीने में एक बार इंस्टॉल कीजिए। बार बार इंस्टॉल मत कीजिए, रेगुलरली आप इंस्टॉल मत कीजिए। आपको जो भी थीम अच्छा लगता है तो 1 महीने रखिए, उसके 1 महीने के बाद फिर चेंज कीजिए। अब लास्ट पॉइंट में आता है वायरस स्क्रीनर। प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप है जैसे कि वायरस स्क्रीन करने के लिए, जैसे आप उस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपका रैम रोम सब क्लीन हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स थे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फ़ोन खरीदने के इनिशियल स्टेप में फॉलो करेंगे तो आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ रनिंग हो रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी का मैं बता सुन के नहीं बता रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के खबर इसी प्रकार की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड नमस्कार।